ये दोस्तों आप लोग देख रहे हैं वी फोर वीडियोस और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट और इसे मैंने मंगाया फ्लिपकार्ट से और ये है सैमसंग का लेवल यू ब्लूटूथ कॉलर ईयरफोन और इसे मैंने ख़रीदा है केवल और केवल 2000 रुपये का। यह नॉर्मली वैसे 2500 का बिकता है लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे 3-4 दिन का वेट करेंगे आपको किसी ना किसी दिन ये आपको 2000 रुपये का तो मिल ही जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके अलावा और किसी भी ब्रांडेड कंपनी का 2000 रुपये में कॉलर ईयरफोन या फिर कह लें नेक बैंड ईयरफोन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। और जहां तक बात करें मीवी के कॉलर ईयरफोन की तो उनकी कीमत 3000 या 3200 के आसपास होती है लेकिन यहां पे आपको सैमसंग का केवल 2000 रुपये में मिल रहा है। तो पहले हम लोग इस ईयरफोन पर नज़र डाल लेते हैं उसके बाद बात करेंगे ये कैसा है। तो यहाँ पे आपको इसका ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है जिसे आप ऑन करके यहाँ से अपने मोबाइल से पेयर कर सकते हैं। तो बाकी के ईयरफोन में ऑन ऑफ का स्विच अलग से नहीं होता है। यहाँ पे आपको एक LED इंडिकेटर और एक नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे इसके नीचे हमें एक साइड पे प्राइमरी माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाता है। तो ये देखिए ये बाकी का कैसा लगता है देखने में। और यहाँ पे आपको एक वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन और एक पेयरिंग के लिए बटन देखने को मिल जाती है जो कि रबर की बनी हुई है सिलिकॉन की। और जब हम ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा नेक बैंड ईयरफोन कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो ये मुझे नहीं लगता कि आसानी से टूटेगा कभी। और यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है जो कि है USB माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इस ईयरफोन की परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि ये ईयरफोन क्यों लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको चाहिए किसी एक ब्रांडेड कंपनी का कॉलर ईयरफोन और आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा इस प्राइस में और किसी ब्रांडेड कंपनी का कॉलर ईयरफोन मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आपको इसे ख़रीदना है तो आप नीचे दिए गए लिंक से जाके इसे ख़रीद सकते हैं फ्लिपकार्ट से। और अगर आपको इसका प्राइस 2500 दिखता है तो कोई बात नहीं, कार्ट में ऐड कर लीजिए, कुछ दिन तक वेट करिए, जब भी 2000 का हो तुरंत का तुरंत ऑर्डर कर दीजिए। और अभी मैं इसके दूसरे रीज़न के बारे में बात करना चाहूँगा कि इसे और क्यों ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं एक अच्छा ब्लूटूथ ईयरफोन वो भी केवल कॉलिंग पर्पस के लिए तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ईयरफोन काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छी कॉल क्वालिटी मिलती है, दूसरे की आवाज़ भी आपको साफ सुनाई पड़ती है और जो दूसरा आपको सुन रहा है उसके पास भी आपकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा साफ जाती है क्योंकि इसमें आपको एक अलग से नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाता है। तो कॉलिंग के लिए मैं इसको देना चाहूँगा 10 में से 8 की रेटिंग। और मैं तो एक चीज़ बताना ही भूल गया कि इसमें कॉल आने पर वाइब्रेशन भी होता है और बहुत ही कम कॉलर ईयरफोन में इस प्राइस के हिसाब से वाइब्रेशन वाला फीचर आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही खास बात है इस कॉलर ईयरफोन की। लेकिन अगर आप एक म्यूजिक लवर हैं तो शायद आपको ये ईयरफोन ज़्यादा पसंद ना आए क्योंकि जो इस ईयरफोन की जो ऑडियो क्वालिटी है वो सैमसंग के नॉर्मल ईयरफोन जैसी ऑडियो क्वालिटी ही है या फिर कह लें थोड़ी सी उससे बेहतर है। इसमें आपको ट्रेबल तो थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है लेकिन आपको बेस ना के बराबर ही मिलेगा लेकिन फिर भी इसकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप लोग एक म्यूज़िक के लिए ईयरफोन ढूंढ रहे हैं ब्लूटूथ वाला तो आप कोई दूसरा भी ढूंढ सकते हैं लेकिन अगर आपका बजट कम है और आपको ब्रांडेड ही चाहिए तो आप 2000 रुपये में इसे भी खरीद सकते हैं, इतनी भी बुरी म्यूज़िक क्वालिटी नहीं है। और क्योंकि ये अभी ईयरफोन नया है तो मुझे इसमें आराम से 5-6 घंटे का बैकअप मिल जाता है और अब ये तो बाद में ही पता चलेगा कि 6-7 महीने बाद इसका बैटरी बैकअप कितना कम होता है। मैं बैटरी बैकअप को डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा कि कितना चल रहा है आज से 6-7 महीने के बाद। और जहाँ तक बात करी जाए इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की तो वो मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी, पता नहीं क्यों, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है आपको अच्छी लग जाए। मेरे हिसाब से सैमसंग को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन में।
वैसे तो मुझे इसमें स्पाइस के हिसाब से और कोई बड़ी कमी नजर नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इसके ईयरप्लग्स की जो डिजाइन है वो कुछ लोगों को शायद पसंद ना आए, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे ईयरप्लग्स शायद पसंद आ जाएं। इसके ईयरप्लग्स की डिजाइन थोड़ी नॉर्मल से हटके है, और इसके साथ में हमें एक ऐसा ईयरप्लग भी देखने को मिलता है जो कि स्पोर्ट वाला है और जो कि जॉगिंग करते वक्त आपके कान से बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला है, तो आप लोग चाहे तो उसे भी लगा सकते हैं। तो जो ओवरऑल जो ईयरफोन है इस प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आपका कोई भी सवाल है इसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपके किसी फ्रेंड को ऐसे ईयरफोन की ज़रूरत है तो उसे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।